हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द बाइनरी टू प्रयागराज। मैं अतुल शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और ओ लेवल एग्जाम की तैयारी जो कि आज सुबह आपके लिए मैराथन चली, उसके बाद फिर आपके अब M2 R5 पेपर को भी सर ने सॉल्व कराया। अब जो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी के सेक्शन को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। कल हमारे 10 MCQ क्वेश्चन ही हो पाए थे, अब उसी के जस्ट आगे से हम लोग चीजों को करते हैं। यहाँ पे केवल एक पेपर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात है आपको सिखाने के कॉन्सेप्ट देने की। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप जाइए इसके Part 1 वाले सेक्शन को देखिए, वहां से आपको चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से चीजें हमारे पास आई है, किस तरीके से आपको चीजें समझाई गई है। क्योंकि यहाँ पे एक ट्यूशन के जरिए उस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारी बातें की जाती हैं, और उन बातों से उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूट नहीं रहा है। इसकी भी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब आइए देखते हैं कि अब ट्रू एंड फॉल्स वाले सेक्शन पे हैं हम लोग। अ स्ट्रक्चर कैन कंटेन पॉइंटर टू इटसेल्फ, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो कंटेन करता है पॉइंटर, अपने लिए एक पॉइंटर इटसेल्फ कंटेन कर सकता है। भाई हाँ बिल्कुल बात सही है। जैसे मान लेते हैं कि पहली चीज तो समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि देखिए काफी ढेर सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रक्चर तक पहुंच के भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं तो आपके सामने क्लियर करूंगा, क्या भाई आपके सामने मैं क्लियर करने वाला हूं कि क्या होता है आपका स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। भाई कैसे स्ट्रक्चर कैन कंटेन पॉइंटर इटसेल्फ, मान लेते हैं कि किसी स्ट्रक्चर को हम बनाते कैसे हैं। तो जैसे देखिए हमने आपको डेटा टाइप बताया था, तो डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मतलब प्राइमरी वाले, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर ला डबल। नॉन प्रिमिटिव जिन्हें हम प्रिमिटिव टाइप की मदद से बनाते हैं उन्हें हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की जैसे कैटेगराइज करते हैं। जरूरी नहीं कि सिस्टम में जितने ही डेटा टाइप दिए गए हैं उससे ही हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फिल हो जाए। इसे मानिए कि अगर हमने कोई इंट लिखा, इंट ए, अब इस ए की बाउंडेशन क्या है, ये अपने आप में केवल कोई एक ही इंटीजर टाइप को डेटा को रख सकता है। लेकिन जब हम किसी बड़े लेवल पे बड़ी चीजों के लिए इसी बात को सोचते हैं तो ये ए हमारा जो है छोटा पड़ जाता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एरे जैसे कॉन्सेप्ट को समझा। एरे में क्या होता है कि सेम डेटा टाइप के एक ही नाम से हम उसकी साइज के अकॉर्डिंग उतने एलिमेंट रखने के कैपेबल होते हैं। अब यहां पे जो इंट ए है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर, ये ए जो है किसी एक इंटीजर नंबर को रखने के कैपेबल है, जबकि यहां पे जो इंट ए आप 5 है इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है, ये जो हमारा ए है ये अपने जैसे मतलब इंटीजर टाइप के ही 5 इंटीजर डेटा को रखने के कैपेबल है। सर क्या 5 ही, अगर मैं यहां पे 5 और 0 भी लिख दूं तो अब ये 50 इंटीजर टाइप डेटा को रखने के कैपेबल है, यही मतलब होता है हमारे एरे का। अब तीसरी बात होती है कि सर क्या अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को रखना चाहें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को रखना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कोई रास्ता है। हाँ रास्ता है, वो रास्ता कहां पे होता है भाई, स्ट्रक्चर की मदद से। स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने का जो सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या है स्ट्रक्ट, क्या लिखते हैं मेरे दोस्त स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट एक हमारा क्या है कीवर्ड भी है जो कि बताता है कि हम कोई एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं।
स्ट्रक्ट बनाने के बाद मान लेते हैं हमने लिख दिया यहाँ पे ए। अब ये ए जो है ना, ये हमारा डेटा टाइप है। कुछ लोगों को बात समझ में हो सकता है कि नहीं आ रही हो भाई। जैसे इंट ए हमने लिखा, तो यहां पे ये ए जो है, यहां पे जो ए है ये वेरिएबल का नेम है और ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है। लेकिन ये डेटा टाइप से आगे की बातें जब हम सोचते हैं, जहां पे हम एक ही अपने से कुछ कोई ना कोई डेटा टाइप बनाने के कैपेबल होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। जब स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन करते हैं तो यहां पे हमने लिख दिया स्ट्रक्ट ए। स्ट्रक्ट एक नॉर्मली सा कीवर्ड है, उसके बाद फिर हमने लिख दिया ए। ए लिखने के बाद इस हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हमने लिख दिया क्या, इंट ए। यहां पे मान लेते हमने लिख दिया इंट ए फ्लोट बी, फिर हमने लिख दिया कैर सी, और फिर ये यहां पे हमने कर दिया स्ट्रक्चर बंद। सर इसका मतलब क्या हो गया, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया किस नाम से, ए नाम से। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया किस नाम से, ए नाम से। इसको डबल ए कर लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है आपको। हमने डबल ए नाम से कोई एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैपेबल है एक इंटीजर डेटा को रखने के लिए, एक फ्लोट डेटा को रखने के लिए और एक कैरेक्टर डेटा को रखने के लिए। मतलब अगर हम मैं यहां पे लिखता हूं इंट ए, तो मतलब इंट इस ए को कितनी मेमोरी मिलती है, इस इंट को मेमोरी, ए को मेमोरी मिलेगी 2 बाइट की, जो इतना इसके डेटा टाइप को मिलेगी। मतलब इस इंट ए को रखने के लिए 2 बाइट की मेमोरी मिल रही है, जबकि जबकि जब यहां पे हमने स्ट्रक्ट डबल ए बनाया, तो जब डबल ए की मदद से मान लेते हमने लिखा डबल ए, उसकी मदद से हमने बनाया कोई वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम का नेम हमने दे दिया भाई मैंगो। क्रिएटिंग स्ट्रक्चर मींस डिफाइनिंग अ न्यू डेटा टाइप। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या होता है कि हम कोई नया डेटा टाइप बना रहे हैं। अब ये डबल ए जो है ना, आपका वेरिएबल नेम नहीं है, ये आपका डेटा टाइप नेम है, और इसकी मदद से मिलकर वेरिएबल क्या बना है, ये बना है आपका मैंगो नाम से हमने बनाया हुआ है। ये डबल ए आपका डेटा टाइप। अब आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, जैसे यहाँ पे इंट और ए है, इंट डेटा टाइप, ए वेरिएबल नेम, वैसे यहाँ पे डबल ए आपका डेटा टाइप है और मैंगो आपका क्या है, वेरिएबल नेम है। अब डेटा टाइप की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही जगह मिलती है मेमोरी में किसको, वेरिएबल को। अगर ये इंट है तो ए को 2 बाइट की मेमोरी मिलेगी, जबकि डेटा टाइप को कितनी मेमोरी मिलेगी, ए मैंगो को कितनी मेमोरी मिलेगी, एक इंटीजर रखने के लिए मतलब 2, यहां से 4 और यहां से 1। तो इस मैंगो को जब मैंगो हमारी मेमोरी के अंदर बनेगा तो कुछ ऐसे होगा, इस मैंगो के अंदर भाई एक 2 बाइट का, एक 4 बाइट का और एक 1 बाइट के, मतलब टोटल 7 बाइट की मेमोरी मिलेगी एक इसके अंदर डेटा को रखने के लिए। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्रिएटिंग स्ट्रक्चर मींस डिफाइनिंग अ न्यू डेटा टाइप। यहाँ पे हमने डबल ए नाम से, ये इसके मेंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसके मेंबर्स हैं, ये इसके मेंबर कहे जाते हैं, चाहे मैं इस ए की बात करूं, चाहे बी की बात करूं, चाहे मैं सी की बात करूं, ये स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं। जबकि जो हमारा एरे होता है तो एरे के एलिमेंट होते हैं, एरे में एलिमेंट होते हैं, स्ट्रक्चर में मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे एक इंटीजर मेंबर है, एक फ्लोट मेंबर है, एक कैरेक्टर मेंबर है इसका ए बी सी नाम से, ये इसका डेटा टाइप है, ये इसका वेरिएबल नेम है। हम लोग इस डेटा टाइप जो हम बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, इसकी मदद से वेरिएबल्स बना सकते हैं, इसको और भी फर्दर यूज कर सकते हैं। ये हो गई नॉर्मल सी बात स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी भाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर करने का मतलब ये हुआ आपका कि सर जी स्ट्रक्चर कैन कंटेन पॉइंटर टू इटसेल्फ, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। साइज ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ यूनियन शुड बी सेम। देखो जैसे स्ट्रक्चर होता है
बिल्कुल वैसे यूनियन होता है, जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही यूनियन होता है। यूनियन बनाने का मतलब भी क्या होता है, नया डेटा टाइप बना रहे हो, लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और यूनियन का, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा, मैं आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन से बनते हैं भाई। ये आपसे डिस्क्रिप्टिव में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो जरा ध्यान से इस बात को समझते चलिएगा आप लोग कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है भाई। तो देखो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया यहां पे, हमने लिख दिया स्ट्रक्ट डबल ए और यहां इसके अंदर हमने बना लिया इंटीजर ए फ्लोट बी कैर सी और ये हमने कर दिया क्लोज। जबकि जब हम यूनियन बनाते हैं, यूनियन मान लेते हैं हमने बना लिया यहां पे ट्रिपल ए नाम से, अब यूनियन के अंदर हमने बना दिया भाई इंटीजर ए नोट बी कैर सी, ये बन गया स्ट्रक्चर, ये बन गया यूनियन। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस ये है कि इसको टोटल मेमोरी मिलेगी 7 बाइट की, क्योंकि 2 + 4 + 1 टोटल हो गया 7, जबकि यूनियन में जो मेमोरी अलॉट होगी वो अलॉट होगी इसके सबसे बड़े डेटा टाइप के बराबर, मतलब टोटल 4 बाइट की। अब टोटल 4 बाइट की मेमोरी अलॉट होगी, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ए हमने लिख दिया है, तो अगर हमने इंटीजर ए के अंदर डेटा रख रहे हैं तो फ्लोट वाले में कोई वैल्यू नहीं होगी, अगर फ्लोट वाले पे रख रहे हैं तो फिर उसमें कोई मेमोरी नहीं होगी, कोई भी डेटा नहीं होगा, वो डेटा ऑटोमेटिक हट जाएगा। मतलब मैं आपको बात को समझिए ध्यान से कि मान लेते हैं कुछ इस तरीके का एक डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए भाई। यहाँ पे मान लेते हैं डबल ए है, डबल ए को मेमोरी मिली टोटल कितने की 2 4 1, यहीं पे हमने एक बना दिया है क्या ट्रिपल ए, ट्रिपल ए की मेमोरी अलॉटमेंट देखते हैं तो यहाँ पर टोटल इसको मिला कितने का 4 का। अब यहाँ पे हम एक इंटीजर डेटा भी रख सकते हैं 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 1.5 और यहाँ पे हमने लिख दिया कैरेक्टर कोई 1, तो यहाँ पे तीनों मेमोरी लोकेशन पे कोई दिक्कत नहीं आई। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इसको मिलती है टोटल सबसे बड़े, जो सबसे बड़ा है यहाँ पे देखो इंटीजर है फ्लोट है कैर है, तो 4 यहाँ पे इन्होंने अलॉट कर दिया, डबल होता तो यहाँ पे 8 हो जाता। तो जरा समझिएगा बात को, यहाँ पे जैसे ही 4 बाइट की जगह अलॉट हो गई, अब अगर हम यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू रखें, मान लेते हैं इंटीजर की कोई एक वैल्यू हमने क्या रख दिया भाई 5 रख दिया, ये बात बिल्कुल सही है, ये ए के अंदर गया। लेकिन जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया ए असाइनिंग टू 5, बी असाइनिंग टू 7.9 और हमने सी असाइनिंग टू लिख दिया एम, ये 3 वैल्यू हमने दे दी इसके लिए ट्रिपल ए वाले के लिए। लेकिन जब ए असाइनिंग टू 5 असाइन हो गया तो यहाँ पे 7.9 के लिए कोई जगह नहीं बची है, कैरेक्टर को रखने के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन जब इसको हमने लिखा तब यहाँ से यह 5 हट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 7.9 और जब हम ये लिख देंगे यम आ जाएगा और बाकी की वैल्यू घट जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या है, अगर हम ऐसे लिखते हैं ए असाइनिंग टू 2, बी असाइनिंग टू 1.5 और सी असाइनिंग टू ए, तो यहाँ पे तीनों को तीनों डेटा को मेमोरी मिल जाती है, कोई नहीं हटता है, 3 के 3 स्टोर रहते हैं। तो यही डिफरेंस होता है हम आपके स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच का। अब यहाँ पे लिखते हैं कि क्या साइज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यूनियन शुड बी सेम, क्या यूनियन के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं कहा गया भाई, ऐसा कहा गया कि जो सबसे बड़ा होता है उसको मेमोरी मिल जाती है, क्योंकि इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर तीनों हमने ले लिया तो साइज सेम होने की बात ही खत्म हो जाती है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा भाई। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 का। 1.3 में क्या कहा गया है, 1.3 में कहा गया है कि साइज ऑफ अ पॉइंटर इज इक्वल टू द डेटा टाइप इट्स 0.2। जो पॉइंटर की साइज होती है वो जिस साइज ऑफ अ पॉइंटर इज इक्वल टू द डेटा टाइप इट्स 0.2, पॉइंटर की जो साइज होगी जिस डेटा टाइप को ये पॉइंट कर रहा होगा उसके बराबर होगी। तो जरा एक वैसे समझते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। मान लेते हैं कि हमने बनाया एक
इंटीजर ए हमने बनाया क्या, एक कोई नॉर्मल सा हमने वेरिएबल बनाया और फिर हमने बनाया क्या इंटीजर स्ट्रिप पी। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल वेरिएबल और ये हो गया हमारा पॉइंटर। ये जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर को हम लोग एस्ट्रिक सिंबल के थ्रू शो कराते हैं। एस्ट्रिक सिंबल लगने से कंपाइलर को ये पता लगता है कि ये जो है वो ये जो डेटा वेरिएबल हमने बनाया है ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर है। पॉइंटर होने का मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी डेटा को नहीं रखेगा, जबकि किसी डेटा को रखने वाले वेरिएबल के एड्रेस को ही रखेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जो ये क्या करेगा, जिस डेटा टाइप की मदद से बनने वाले, इस डेटा टाइप की मदद से बनने वाले वेरिएबल को ही, वेरिएबल के एड्रेस को रखेगा। जैसे मतलब यहाँ पे ए के अंदर अगर हमने लिख दिया क्या ए साइनिंग टू 5 और हम चाहते हैं कि हम लिख दें पी साइनिंग टू 9, तो ये ए तो वैल्यू है, इसको ये वैल्यू मानेगा, जबकि 9 को ये हमेशा क्या मानेगा, एड्रेस मानेगा, क्योंकि ये कैपेबल होगा केवल न केवल एड्रेस को रखने के लिए, ना कि किसी वैल्यू को रखने के लिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं भाई किसकी, यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं कि क्या साइज ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू द डेटा टाइप इट्स पॉइंट टू। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये पॉइंटर जिसकी, जिस डेटा टाइप की मदद से बनाया जाता है, ये पॉइंटर जो है जिस डेटा टाइप की मदद से बनाया जाता है, ये उसी डेटा टाइप के, उसी डेटा टाइप के टाइप की वैल्यू को, एड्रेस को रखने के कैपेबल होता है। जरा बात समझिएगा, बात थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है आपको, लेकिन सिंपल सी बात है भाई। क्या इंटीजर एस्ट्रिक पी, अगर हमने इंटीजर की मदद से इस पी को बनाया है, अगर हमने इस इंटीजर की मदद से पी को बनाया है, तो ये पी जो है ये हमेशा किसी इंटीजर वाले ही डेटा के एड्रेस को रखेगा। बात को समझना है कैसे आपको, अगर मान लेते हैं हमने बना दिया यहाँ पे कोई एक फ्लोट और हमने बना दिया के, और हम ये चाहते हैं कि हम लिख दें पी असाइनिंग टू एड्रेस ऑफ के। अब ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि के जो है ये फ्लोट की मदद से मिलके बना है, जबकि पी जो है इंटीजर की मदद से मिलके बना है। बात को समझिएगा कि ये के जो है ये किसी ना किसी इंटीजर की मदद से मिलके, फ्लोट की मदद से मिलके बना है, ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी असाइनिंग टू ए, पी असाइनिंग टू एड्रेस ऑफ ए, तो पी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कंफ्यूजन के इसकी ए के एड्रेस को रख लेगा, क्योंकि ये जो है ए भी इंटीजर टाइप का है और पी भी इंटीजर टाइप की मदद से मिलके बना है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट की मदद से कोई एक और पॉइंटर बना लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं बनाता हूँ एस्ट्रिक क्यू, अब एस्ट्रिक क्यू हमें लिखता हूँ क्यू असाइनिंग टू एड्रेस ऑफ के, ये बात लिखना बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्यू भी फ्लोट की मदद से बना है और के भी फ्लोट की मदद से बना है, जबकि यहाँ पे क्या है भाई, ये इंटीजर ए और पी दोनों इंटीजर की मदद से मिलके बने हैं, तो दोनों एक दूसरे ये इसके एड्रेस को रख सकता है, जबकि इसके एड्रेस को नहीं रख सकता है। अब बिल्कुल वही बात यहाँ पे करते हैं कि भाई साइज ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू द डेटा टाइप इज पॉइंट टू, क्योंकि पॉइंटर को जो जगह मिलेगी हमेशा 2 बाइट की जगह मिलेगी, पॉइंटर को जो जगह मिलती है हमेशा 2 बाइट की जगह मिलती है, तो साइज ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू द डेटा टाइप इज पॉइंट टू, क्या पॉइंटर को उतनी जगह मिलती है जिस डेटा टाइप को पॉइंट करता है। भाई अगर हमने बनाया इंटीजर ए तो इंटीजर ए को मिलेगी 2 बाइट की जगह, अगर मैंने बनाया फ्लोट के तो के को कितनी जगह मिली भाई, 4 बाइट की जगह मिली, लेकिन अगर पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर को हमेशा 2 बाइट की जगह मिलती है। इस बात का ध्यान रखिए, पॉइंटर ऑलवेज 2 बाइट्स मेमोरी, पॉइंटर ऑलवेज कंज्यूम्स 2 बाइट्स इन मेमोरी, पॉइंटर को हमेशा 2 बाइट की जगह मिलती है। इसका जवाब क्या होगा, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलते हैं तो आइए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इनसी द कंपाइलर डज नॉट चेक इज द इफ द सबस्क्रिप्ट यूज फॉर एन एरे एक्सीड्स साइज ऑफ द एरे। इन सी, सी लैंग्वेज में कंपाइलर डज नॉट चेक, कंपाइलर चेक नहीं करता, या इफ द सबस्क्रिप्ट, यदि जो सबस्क्रिप्ट यूज फॉर एन एरे, एरे के लिए जो सबस्क्रिप्ट यूज की जाती है, जैसे मान लेते हैं ये ए, आप ए हमने कोई बनाया इंटीजर ए ऑफ 5, ये हमने क्या बनाया, तो उसकी सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4, ये इसकी क्या हो गई, सबस्क्रिप्ट हो गई, ये इसकी साइज हो गई। अरे की सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, उस नंबर से हमेशा 1 कम तक रहती है। अब जरा समझेंगे कि इन सी द कंपाइलर डज नॉट चेक इफ द सबस्क्रिप्ट यूज फॉर एन अरे एक्सीड्स साइज ऑफ द अरे, अगर उसकी साइज जो होती है अरे की साइज से ज्यादा हो जाती है। मान करने का मतलब, अगर मैं ए ऑफ 6 बना दे रहा हूँ, अब ए ऑफ 6 जो है इसके लिए तो है ही नहीं, कंपाइलर इसको चेक नहीं करता, ये तो गलत बात है भाई, कंपाइलर तो चेक करेगा ही और यहाँ पे एरर देगा ही। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आप अच्छे से समझते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अ फॉर लूप इन सी हैज थ्री स्टेटमेंट्स नेमली असाइनमेंट, टेस्ट एंड इंक्रीमेंट। हाँ बिल्कुल सही है कि जो देखो किसी भी लूप से रिलेटेड तीन बातें होती हैं, पहला तो काउंटर वेरिएबल का असाइनमेंट, काउंटर वेरिएबल का असाइनमेंट, उसके अलावा काउंटर वेरिएबल का भाई डिक्लेरेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, कंडीशन चेकिंग और उसका एक टर्मिनेशन पॉइंट। तीन चीजें होती हैं किसी भी लूप के लिए, फॉर लूप इन सी, फॉर लूप इन सी थ्री स्टेटमेंट्स नेमली असाइनमेंट, टेस्ट एंड इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, लूप के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, कौन कौन सा, एक तो डिक्लेरेशन ऑफ, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट ऑफ काउंटर वेरिएबल, दूसरा टेस्टिंग फॉर काउंटर वेरिएबल और दूसरा उसका टर्मिनेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल के टर्मिनेशन के लिए उसको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं कि जहां पे लूप का जो फाइनल पॉइंट होगा, जहां पे लूप आपका टर्मिनेट होगा, उस पॉइंट को भी डिसाइड करना, ये आपका क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे लूप से रिलेटेड तीन चीजें होती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब जरा आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है सी आउट, काउट नहीं लिखा है भाई, कुछ लोग इसको काउट पढ़ सकते हैं, काउट एंड सीन ऐसा कुछ नहीं है। सी आउट एंड सी इन कैन बी यूज फॉर आउटपुट एंड इनपुट रिस्पेक्टिवली इन सी लैंग्वेज। तो भाई ये सी आउट एंड सी इन दोनों यूज होते हैं, सी आउट होता है आउटपुट के लिए और सी इन यूज होता है इनपुट के लिए, दो के दोनों, लेकिन ये सी लैंग्वेज में नहीं होता, ये कहाँ पे होता है, सी प्लस प्लस में होता है, सी प्लस प्लस में यूज होता है। तो ये जवाब आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैटिक इंट वेरिएबल इज 0, कहने का मतलब कि क्या, द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी स्टैटिक मेंबर्स की वो 0 होती है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। स्टैटिक जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर गार्बेज वैल्यू कंटेन नहीं होती, वहां पे आ जाता आपकी बाय डिफॉल्ट 0। बाइनरी सर्च कैन बी परफॉर्म ऑन अ लिंक लिस्ट, हाँ ये बात बिल्कुल भी सही है कि सर्चिंग जो दो तरीके की होती है, एक बाइनरी सर्च और आपका एक दूसरा हो जाएगा आपका ट्रेवर्सल, जो हम लोग पढ़ते हैं जहां पे सर्चिंग की चीजें पढ़ते हैं, तो वहां पे बाइनरी लिंक लिस्ट में आसानी से सर्चिंग हो जाती है। अ फंक्शन नेम कैन बी पास एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर से हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, हाँ भाई एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हमने कोई बनाया फंक्शन, फंक्शन ए, तो हम ए फंक्शन के अंदर किसी दूसरे बी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, ये सब पॉसिबल है, लेकिन मेन फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। सी फंक्शन कैन कंटेन्स मेनी रिटर्न स्टेटमेंट, ये तो गलत बात है भाई, क्योंकि प्रोग्राम में केवल रिटर्न स्टेटमेंट एक बार ही चलेगा, क्योंकि एक रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न वैल्यू के साथ साथ में प्रोग्राम का कंट्रोल भी रिटर्न हो जाता है, तो एक फंक्शन में केवल एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होगा। तो ये था आपका राइट आंसर, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब इस बात को समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे